स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्साइन में। फ्रेंड्स, आप अगर एयरटेल के डिटेल हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप एम पिन अपना एयरटेल आईडी का कैसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान से। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपने मित्र एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एम पिन चेंज रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दो प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, एम पिन चेंज, एम पिन रीसेट। अगर आप अपना एम पिन भूल गए हैं तो आप रीसेट पर क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं ओटीपी के द्वारा। अगर आप अपना एम पिन चेंज करना चाहते हैं तो एम पिन चेंज पर क्लिक करके अपना पुराना एम पिन डाल के उसके बाद आप अपना नया एम पिन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे एम पिन चेंज करना है तो आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको एम पिन चेंज पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा, ओल्ड एम पिन, उसके बाद आपको नया एम पिन डालना है, फिर आपको कंफर्म न्यू एम पिन, वही नया एम पिन दोबारा से डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पुराना एम पिन डाल देता हूँ। पुराना एम पिन डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे नया एम पिन डालना है। नया एम पिन डालने के बाद फ्रेंड, आपको फिर से वही नया एम पिन यहाँ पे कंफर्म न्यू एम पिन पे क्लिक करके डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एम पिन डाल लेने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा पॉपअप नोटिफिकेशन आ गया कि एम पिन हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।